लेकिन एक अहम खबर इस वक्त की, इस वायु तूफान से निपटने के लिए अब केंद्र सरकार भी सतर्क है और ऐसे में केंद्रीय गृह सचिव ने एक अहम बैठक बुलाई है और इसमें तटीय इलाकों में पूरी मुस्तैदी से एनडीआरएफ की टीमें और दूसरे दस्तों को तैनात करने की बात की गई है और इसके तहत एनडीआरएफ डीडीएमए के आईएमडी और अन्य आला अफसरों के साथ में बैठक बुलाकर इस पर चर्चा की जा रही है। तो जो स्थिति बन रही है उससे निपटने के लिए ये अहम बैठक, अब वायु तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह सचिवों की एक बैठक बुलाई गई है और बैठक में एनडीआरएफ डीडीएमए और आईएमजी और अन्य जो आला अधिकारी हैं उनको बुलाया गया और इसको कैसे सुलझाया जा सके, क्या स्थिति बनाई जा सकती है, क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा हो रही है। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कितने बजे होनी है ये बैठक? देखिए, थोड़ी देर में अहम बैठक होगी और गृह मंत्रालय में ये जो बैठकों का दौर है लगातार जारी है और लगातार केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है चक्रवात वायु के ऊपर जो कि गुजरात और दीव के इलाकों में छुए गए। इससे पहले कल गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमेटी है उसकी बैठक हुई थी और उसके बाद आज बैठक हुई थी। तीन अहम पहलुओं को यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला, जो लोग तटवर्ती इलाकों में हैं उनका इवैक्यूएशन, उनको बचाव वाली जगह जल्द से जल्द ले जाया जाए। दूसरा, जो भी बचाव फोर्सेस हैं चाहे एनडीएमए हो या फिर एनडीआरएफ हो या फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, सारी कोऑर्डिनेशन में काम करें। और तीसरा, रिजर्व फोर्सेस भी रखी गई हैं, रिजर्व बल भी रखे गए हैं ताकि कोई अगर जो आपात की स्थिति हो तो उनको डिप्लॉय किया जाए।